We are going to study today the topic of explicit cost under the financial constraint. As the word explicit make it clear that it pertains to that cost that is quite obvious, quite clear, or we can say the tangible. So those costs that we are going to enter in our cost accounting in our ledgers, and for which we are going to pay the inputs.

उनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की शक्ल में हम देखते हैं और उसको असेसमेंट कर सकते हैं तो हेयर इवन एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी देखें तो इन वन और अदर फॉर्म ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पोजेस करते हैं अब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है मींस अगर आप किसी एक इनपुट के ऊपर एक अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट अमाउंट ऑफ मनी इट हैज़ आल्सो एन अल्टरनेटिव वैल्यू और इट हैज़ आल्सो एन अल्टरनेटिव रिसोर्स मेन वही पैसे किसी और रिसोर्स को परचेज़ करने में इस्तेमाल हो सकते थे या यूटिलाइज हो सकते थे तो इवन दोज एक्सप्लिसिट रिसोर्सिस की असेसमेंट में भी हमें इस चीज़ को या देखना होगा कि इनकी भी कहीं ना कहीं वो जो फॉरगोन वैल्यू ऑफ़ दैट वैल्यू अटैच है वो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से कि ये वो कॉस्ट हैं जिनको हम कैलकुलेट तो करते हैं लेकिन मोस्टली दे आर इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट। अब अगर हम बात करें तो प्रॉफिट तो इट मीन्स प्रॉफिट इज ऑलवेज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट तो जब रेवेन्यू में से हमने कॉस्ट को माइनस करना होता है तो ये सारी की सारी वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं और फॉर विच वी आर गिविंग द पेमेंट्स तो हम उस कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे होते हैं आइदर फिक्स्ड कॉस्ट थी या वो वेरिएबल फॉर्म की शक्ल में थी लेकिन अब कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो अगर हम कहें कि दे आर नॉट टेंजिबल और माइट बी स्लाइटली टेंजिबल हैं लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि वो उतनी ऑब्वियस नहीं है लेकिन जिसके लिए हमें जो कॉस्ट है वो लाजमी देना पड़ती है अब क्या है मीन वेन वी से द डेप्रीसी ऑफ एन एसेट अब डेप्रीसी क्या है ओवर द टाइम जो कोई भी एक इनपुट है लाइक like मशीनरी है वो कभी भी उतना परफेक्ट फॉर्म में परफॉर्म नहीं कर रहा होता और उसकी डेप्रिसिएशन है जिसको हम जनरली कहते हैं कि देयर इज़ अ वीयर एंड टीयर ऑफ दैट मशीनरी कोई बिल्डिंग है उसकी आपको बाकायदा एक मेंटेनेंस कॉस्ट है जो आपको पे करना होती है तो लाइक वाइज ये वो कॉस्ट हैं जो हम कहें कि डेप्रिसिएशन और वो इतनी टेंजिबली ट्रेस नहीं होती असेस नहीं हो सकती लेकिन दे डू पोजेस सर्टन कॉस्ट इन द बजट और द लेजर्स तो इसीलिए जब भी कभी बजटिंग का सेटअप होता है तो वेन एवर देर इज अ एलोकेशन ऑफ द बजट फॉर द परचेज ऑफ द न्यू थिंग्स लेकिन उसी तरीके से जो ऑलरेडी एसेट्स मौजूद हैं वो चाहे गाड़ियाँ हों चाहे मशीनरी हो चाहे बिल्डिंग्स हैं तो अ सर्टन अमाउंट ऑफ द बजट इज ऑलवेज एलोकेटेड फॉर द ओवरकम और द ओवर हॉलिंग ऑफ दिस डेप्रीसी और टू सेव द फ्यूचर लॉस हमें यह डेप्रीसी को कंट्रोल करना पड़ता है सो so, ये कॉस्ट ऑफ अंडरलाइन कंपनी एसेट्स में लाजमी तौर तो पे आता है अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को अगर हम देखें तो बेस्ट फॉर्म हमारे पास ये है कि जितनी भी हमारे पास उस सिस्टम के अंदर मौजूद कॉस्ट हैं उनको अकाउंट फॉर कर लिया जाएगा तो देन वी कैन एलोकेट द प्रॉपर बजट फॉर दोज एंड वो बजट क्यों कर लेंगे कि इवेन वी विल इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ द कॉस्ट दैन प्रॉपर असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो हो सकेगी सो इम्पलिसट और द एक्सप्लिसिट ये दोनों किस्म की जो कॉस्ट हैं उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थैंक यू